चलिए फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके लिए एक वीडियो और लेकर के आया हूँ फ्रेंड्स। तो काफ़ी परेशानियाँ होती हैं हार्डवेयर से रिलेटेड। आज जो आपने मेरा टाइटल तो देख ही लिया होगा कि आज मेरा जो टाइटल है वो हार्डवेयर से रिलेटेड है फ्रेंड्स। तो हार्डवेयर में आज मैं हार्डवेयर के लिए एक टूल लेकर के आया हूँ। मतलब टूल नहीं है, आपको डायरेक्ट कोई सा भी टूल डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हम एक लास्ट में बताएंगे कि फ्रेंड्स आप वो कहाँ से पा सकते हैं। तो आज मैं Xiaomi के लिए जितना हो सकता है उतने स्टमेटिक, मैं आई होप इस पर और भी काम कर रहा हूँ जिसमें आपको हर एक के डायग्राम्स बहुत जल्द आपको दिलवा सकूँ। तो फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए फ़िलहाल Xiaomi का, हालांकि बहुत सारे वीडियो हैं पर फिर भी मैं अपने सब्सक्राइबर अपने स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मैं आज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा जिससे आप जा करके Xiaomi के स्टमेटिक डायग्राम को बहुत ही अच्छी तरीके से डाउनलोड कर लेंगे। और बहुत ही आई होप मैं वहाँ पे आपको प्रॉपर ये वीडियो प्रॉपर करके दिखाने वाला हूँ विद प्रैक्टिकल। जो मैं लिंक दूंगा वो जेन्युइन लिंक होगा। आप लिंक को टच करेंगे और सीधा आप साइड में पहुँच जाएंगे। कोई भी ऐड नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा फ्रेंड्स। आप डायरेक्टली जा करके आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस मैं छोटा सा एक ही रिक्वेस्ट बोलना चाहूँगा कि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा लें जिससे हमारे नए वीडियोस आपके नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सारा सेटअप ओके रखा है। आप मैं कोई भी वीडियो जेन्युइन डालता हूँ, कोई भी वीडियो फेक नहीं डालता हूँ जिससे हमारे सब्सक्राइबर हमारे स्टूडेंट्स को कहीं पर कोई दिक्कतें ना आए। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ जा करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने डायरेक्ट लिंक दे दिया है। आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो मैं फिर से एक बार इसको रिलोड कर देता हूँ। तो आई होप ये फटाक से आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये एक लिंक है, मैं प्रॉपर डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए Xiaomi का स्टमेटिक डायग्राम, Xiaomi का कलेक्शन है यहाँ पे, सारे यहाँ पे Xiaomi का है। मैं ऐसे सैमसंग का दो दिन के बाद सैमसंग का भी डालने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो ये ऑटोमेटिक ही डाउनलोड होना चालू हो चुका है। ये देखिए पहले भी हमारा प्रोसेस हो चुका था पर यहाँ से भी ये डाउनलोड होना चालू हो चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2% ये हमारी 7 डाउनलोडिंग होना चालू हो चुकी है फ्रेंड्स। आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक भी करेंगे तो आप डायरेक्ट डाउनलोड पे चले जाएंगे। तो ये बस थोड़ा सा डाउनलोड हो जाएगा। मैं ये कोई भी वीडियो फेक नहीं बना रहा हूँ, आपके सामने लाइव बना रहा हूँ। मैं 2 या 3 दिन के बाद फ्रेंड्स फिर से एक सैमसंग के लिए भी कोई बिना टूल के, ये कोई टूल नहीं है फ्रेंड, ये स्टोमेटिक डायग्राम है सारे। ये एक जिप फाइल में आएगी जिसे आप अनजिप करेंगे और यहाँ पे आपको बहुत सारे डायग्राम देखने को मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल में जाइए और सब्सक्राइब कीजिए बहुत सारे। तब तक ये डाउनलोड हो रहा है तो मैं एक छोटी सी अपडेट ही कर देता हूँ फ्रेंड्स। फिर से अपडेट तो किया हुआ है पर फिर से एक बार और अपडेट कर देता हूँ आपको। आप कुछ नहीं, हमारे चैनल में जाएंगे और आप नए हैं तो जाहिर सी बात है हमारे चैनल पे वॉच कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी आप स्मार्ट टेलीकॉम लिखेंगे तो भी आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे बहुत ही इजीली तरीके से। तो ये डाउनलोड हो जाएगा स्मार्ट टेलीकॉम, आप जा करके डाउनलोड कीजिए और आई होप बहुत अच्छा काम करेंगे आप। तो फ्रेंड्स बस जैसे डाउनलोड हो जाता है तो मैं आपको डाउनलोड करके इसका स्टमेटिक डायग्राम खोल करके और सारी चीज़ें, और मैं और चीज़ बता दूँ फ्रेंड्स, इसकी लिंक कहाँ पर मिलेगी तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी लिंक कहाँ पे मिलेगी। तो गाइस आप देख सकते हैं, अब बस थोड़ा सा ही और बचा हुआ है तो थोड़ा सा वीडियो को मैं पॉज कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी इसलिए मैं थोड़ा सा पॉज करूँगा और जैसे डाउनलोड पे होगा मैं यहाँ पे फिर से आ जाऊँगा। तो गाइस आप देख सकते हैं फाइनली हमारा ये डाउनलोड हो चुका है और एक सेकेंड बस हो जाएगा तो हम इसे ओपन करेंगे और देखेंगे कि इसमें हमारा जो ये लिंक था काम कर रहा है कि नहीं। और ये आपको लास्ट में बताएंगे फ्रेंड्स किसकी लिंक आप कहाँ से पा सकते हैं। तो बस ये आपके सामने लाइव चल रहा है फ्रेंड्स, ये हमारा कम्प्लीटली डाउनलोड हो चुका है। अब ये जस्ट सेकंड में हमारा ये एक फोल्डर में आ जाएगा, डाउनलोड के फोल्डर में आ जाएगा। हम इसे ओपन करेंगे और इसके बाद देखेंगे कि इसमें कितने सारे मॉडल्स डले हुए हैं। तो चलिए फाइनली हम इसे ओपन करते हैं फ्रेंड्स। अब आप देखेंगे तो ये है, तो हम इसे हम डेस्कटॉप पे रख लेंगे जिससे कि हमें काफ़ी आसानी हो। तो हम इसे मिनिमाइज़ कर लेते हैं, इसे क्लोज कर देते हैं, इसे कट कर देते हैं। तो हम इसे फाइनली डेस्कटॉप पे रख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा, आपको मैं बता दूं यहाँ पे ये हमारा आ चुका है और Xiaomi का। तो आप यहाँ से फ्रेंड्स अब इसको स्टैक करेंगे, तो स्टैक टू करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारी कितनी फाइलें हैं सारी चीज़ें। इसका एक पासवर्ड है तो पासवर्ड हम आपको बताएंगे और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जा करके पासवर्ड ही बहुत ईजीली तरीके से इसका पा सकते हैं। तो गाइस पासवर्ड के लिए आपको हमें
हमारे सब्सक्राइबर होंगे तो आप हमें बताएंगे तो हम आपको बिल्कुल इसका पासवर्ड देंगे। और जैसे पासवर्ड डाल देंगे फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे Xiaomi के बहुत सारे मॉडल्स यहाँ पे आपको देख सकते हैं। तो Xiaomi के आप जितने हो सकते हैं, जैसे पोचो K30, K30 के भी यहाँ पे आपको स्टेमेटिक डायग्राम मिल जाएंगे फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। K30 प्रो के भी मिल जाएंगे, और सिंपली आप MI रेडमी K30 4G, K30 5G, रेडमी नोट 4G, MI देख सकते हैं फ्रेंड्स। मतलब फ्री में, कोई भी चार्जेस नहीं है यहाँ पे, कोई भी पैसे नहीं लिए जाएंगे यहाँ पे। आप देख सकते हैं फ्री में सारी चीज़ आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। विंडो रेडमी नोट 4X का है, यहाँ पे रेडमी नोट प्रो है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्री में आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगने हैं, फिर भी इतना आपको, इतने फ़ोन को आप यहाँ पे स्टेमेटिक डायग्राम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए चलिए मैं कोई भी एक स्टेमेटिक डायग्राम देख लेता हूँ, क्या वो सही है कि जेनुइन है, कहीं फेक तो नहीं है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फ्रेंड्स ओपन हो चुका है, और देखते हैं सारे लेयर को इनको खोलते हैं, और यहाँ पे हमारा बोर्ड मिल जाएगा, बिट मैप, ये हमारे बोर्ड हो गया। तो मैं एक डायग्राम को खोल के प्रॉपर सारी चीज़ें दिखाई देता हूँ फ्रेंड्स, और काम करता है कि नहीं करता है ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स, अगर अच्छी लग रही है तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो गया बोर्ड हो गया, और हमारा यहाँ पे हो गया स्टेमेटिक डायग्राम। तो आप जूम करके फ्रेंड्स किसी को भी, आप कंप्लेंट्स को चाहे किसी भी सेक्शंस पे जा सकते हैं। अगर आप स्टेमेटिक डायग्राम में कहीं दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट्स करिए, तो हम एक और भी वीडियो बनाएंगे कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है स्टेमेटिक डायग्राम में चलाने में, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो ये सारी चीज़ें, हमें किसी भी जैक को फाइंड करना हो या कुछ भी फाइंड करना हो फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो मैं एक कनेक्टर्स को फाइंड करूँगा, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक कनेक्टर लगा हुआ है, तो J20। चलिए मैं टच की सप्लाई को यहाँ पे फाइंड आउट कर देता हूँ आपको, टच की सप्लाई में यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो एक आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि कैसे हम फाइंड करते हैं फ्रेंड। तो टच की सप्लाई में यहाँ पे अभी आपको फाइंड करने वाला हूँ, तो इसके अपर और लोअर बोर्ड में दोनों जगह आप जा सकते हैं। तो टच की सप्लाई में यहाँ पे फाइंड करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका कनेक्टर, ये आपका कनेक्टर लगा हुआ है J2301, ये इसकी टच की कनेक्टर है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हम टच की सप्लाइयों को फाइंड करते हैं, तो एक बार हम आपको यहाँ पे फाइंड करके दिखा देते हैं। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको कॉपी कर लेना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कॉपी कर लेंगे जो आपका टच का कनेक्टर है, आप उसको टच को कनेक्टर को कॉपी कर लेंगे और राइट क्लिक करेंगे, कॉपी कर लेंगे। फिर हमें स्टेमेटिक डायग्राम में जाना है, यहाँ पे कंट्रोल F दबाना है, और जो आपने किया था उसको पेस्ट कर देना है। तो सिंपल आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे फ्रेंड्स, इसके टच के कनेक्टर में फुल कॉपी नहीं हुआ है। फिर से वो करते हैं J2301, तो आप मैनुअली भी जा सकते हैं J2301, आप इंटर करेंगे तो आपको वहाँ पे सीधा और यहाँ पे कनेक्टर पे ले जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि हमारा वो कनेक्टर कहाँ पे है। तो आई होप बहुत अच्छी तरीके से आप इसको चला सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं टच के कनेक्टर्स को। अब इसे हम जूम करना होगा फ्रेंड्स, जूम करके मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि टच की कनेक्टर कहाँ पे है। तो टच की कनेक्टर यहाँ पे हमें दिख चुकी है फ्रेंड्स, मैं भी आपको यहाँ पे थोड़ा माउस का इशू जा रहा है, और माउस का इशू जा रहा था फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमारा ये जो टच का कनेक्टर है, ये हमारा 10 पिन का टच का कनेक्टर है। हम बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ पे हमने गए, इस कनेक्टर को नाम देखा, और फिर स्टेमेटिक डायग्राम में गए तो देखे तो हमारा यहाँ पे टच का कनेक्टर मिल गया फ्रेंड। ये देख सकते हैं हमारा टच का कनेक्टर यहाँ पे मिल चुका है, 10 पिन का टच का कनेक्टर है। अब यहाँ पे आप जा करके सारी लाइनों को ट्रेस कर सकते हैं, ऐसे ही हर एक फ़ोन के आप फ्री में जा करके स्टेमेटिक डायग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स, और वहाँ पे अपने सॉल्यूशंस को ढूंढ सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखिए सारे पिने हैं यहाँ पे। हमारी टच की सप्लाई के बारे में और जानना है तो हमारे और वीडियो पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए या आई बटन पे जाइए, यहाँ पे आपको हार्डवेयर के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। आपको एक आई बटन दिख रहा होगा ऊपर, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे हार्डवेयर की बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, बहुत सारे सोल्यूशन डले हुए हैं, स्टेमेटिक डायग्राम के भी, विट मैप के भी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर वहाँ पे मैंने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर MMC से भी रिलेटेड आपको इस मोबाइल फील्ड के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा ये टच का कनेक्टर है। अब यहाँ पे हमें किसी भी लाइन को फाइंड करना है, मतलब हमारा 1, 6, 10 और 5 ग्राउंड है, और मैं इसलिए बोला था कि एक बार यहाँ पे आपको फुल कर दूंगा। तो 1, 6, 5, 10 हमारा यहाँ पे ग्राउंड है, उसके बाद जो हमारी 2 वाली लाइन है वो हमारी है SCL की, और हमारी 3 वाली है SDA। ये SCL SDA आपको अच्छे तरीके से जानना है,
तो हमारा इंस्टीट्यूट आपको ज्वाइन करना होगा, जिसमें आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगा कि SCL और SDE क्या होता है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है, इस फील्ड में आप नए हैं, तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारे बेसिक, बहुत सारे सिस्टमेटिक डायग्राम, सारी चीज़ों को नॉलेज यहाँ पर दिया जाएगा। VREG ये वोल्टेज की सप्लाई होती है, VDD या VREG बोल सकते हैं, 2.8 वोल्टेज आएगा यहाँ पे फ्रेंड्स। और हमारे ये रिसेट की लाइन और ये इंटरप्टेड की लाइन, हमारे टच में केवल 5 सप्लाई को देखी जाती है, बाकी के जितने पिन होंगे वो हमारे ग्राउंड होंगे। अगर उसमें SPI प्रोटोकॉल या हम बोल बात करें I2C लाइन, जो हमारी लाइन होती है, अगर I2C लाइन और SPI के बारे में और प्रॉपर डीपली नॉलेज चाहिए तो हमारे इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही सारे कनेक्टर्स को, जिस भी आपको कनेक्टर को फाइंड करना है, कभी कंपोनेंट मिस हो जाए या कौन सा कंपोनेंट है, जानने के लिए, ट्रैक जानने के लिए आप स्टेमेटिक डायग्राम, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जैसे ये 5A का हमने खोला था, वैसे ही आप ये जो रनिंग मॉडल है, आपको फ्री में इसके स्टेमेटिक डायग्राम मिल जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको और भी कुछ कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, और इसके में मैं पासवर्ड की और लिंक, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट इसका एक पासवर्ड चाहिए तो पासवर्ड भी मैं आपको जनरेट कराऊंगा। तो फ्रेंड्स आपको पासवर्ड की बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपसे पैसे चार्ज नहीं लिए जाएंगे। और हमारे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और आपको यहाँ पे आई बटन में जाने के बाद आप हमारे बहुत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के वीडियोस भी देख सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।